मैं 2018 सोनू निगम पार्टी को निवेदन करता हूं कि आप सब खड़े हो जाइए, हमारे साथ में 5 तारीख तक बने रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत के साथ में धन्यवाद देता हूँ। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आज के इस फेस्टिवल को संबोधित करें, और मैं उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि उन्हें तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा। आज जो यहां हम लोगों ने ये पांचन सुनम कमेटी उसका क्या माने चेयरमैन हमारा अपना बेटा जैसा ही है, क्योंकि वो मेरा बेटा का साथ एक ही मेरे साथ पढ़ा है, दोनों दोस्त है मेरा पिताजी का भी, हम दोनों भी दोस्त हैं, और मेरा बेटा और ये कानून भी हम दोनों भी दोस्त हैं, जो प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का और ये अनिल तातक सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हमारा जो क्या आज का गेस्ट ऑफ ऑनर रूप में जो आया है बहुत यंग एंड एनर्जेटिक लड़का, ने इनका भाषण भी हम बहुत जोशीला भाषण सुना है, जब पुराने समय में से भी हम जरूर सुना है कि जोशीला भाषण था। और लेडीज एंड जेंटलमैन एंड यंग बॉयज एंड गर्ल्स, तो आज बहुत अच्छा दिन में आप हमको लास्ट ईयर भी यहाँ याद किया था, हमारा तपन चलो आपका जो लोकल एम एल ए लास्ट ईयर वो खुद भी फोन किया था, लेकिन यार लास्ट ईयर में हेल्थ का वजह से कुछ आने नहीं सका, तो इस साल भी मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, आई एम ओल्ड मैन, तो मेरा तो उम्र भी काफ़ी हो गया है, आई एम 66 ईयर्स ओल्ड, तो हमारा हेल्थ का प्रॉब्लम होते रहता, इस साल भी हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं क्या इतना बड़ा आदमी हूँ कि बार बार बुलाने से भी नहीं जाएगा, तो मुझे तो जाना चाहिए, पंजी लेके आना चाहिए, इसलिए मैंने आया है। और आप लोग सबसे यहाँ पंजी में आकर हमको सबसे अच्छा लगा है कि आप लोग का ये जो जगह लोकेशन है इतना बढ़िया जगह है, शायद ये यूरोपियन कंट्रीज में होने से दूसरा जगह में होने से, तो इसको डेवलप करने से ऐसा जगह होना था, ये जैसा सिंगापुर है, ये बहुत बढ़िया बढ़िया जगह लोग आप जहाँ घूमने जाते हैं यहाँ भी घूमने के लिए आना चाहे, तो ये आज सुबह हम जगह घूम के देखा है। मैं ये पॉलिटिक्स का बदला में मैं बचना नहीं चाहता, आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जो भी दिखाई दिया है और जो भी मुझे देखा है, मैं सोचता हूँ कि खुश नसीब आदमी लोग ही ऐसा जगह मिलते हैं, नैतिक का तकदीर अच्छा होता है, वही लोग ऐसे जगह में बसने का मौका मिलते हैं। तो आप लोग पांचिन का आदमी लोग मैं सोचता हूँ कि बहुत खुश नसीब आदमी है, इतना बढ़िया जगह में मिला है, अगर इसको डेवलप किया जाए तो ये तो सिर्फ माफिक जगह अच्छा होना चाहिए, जहाँ आदमी टूरिस्ट और फॉरन आदमी लोग घूमने के लिए आता है, फॉरन आदमी लोग तो इस तरह होटल में बैठने के लिए नहीं आता है, फॉरन आदमी तो ये हवा पानी को लेने के लिए आता है, जगह को देखने के लिए आता है, तो इसके इसको अच्छा से टूरिस्ट जगह भी बना सकते हैं। मैं अभी आदमी से आज ये मैं खुश नसीब हूँ, लकी हूँ कि तारा लकी को आज मैं अपना आंखों से देखने को मौका मिला है, पहले तो तारा लकी को हम सुनता था लेकिन जभी देखने को मौका मिला, तरुण रूप को हम लोग रिटर्न में बहुत एक्सचेंज करते थे, तरुण रूप को हम लोग भी कभी भी पर्सनली मिलने को मौका नहीं मिला है, लेकिन आज मैं अपना को मैं लकी समझता हूँ, तो मैं तो यहाँ धोनी बोला देर में भी आकर वहाँ भी प्रेयर करने को मौका मिला है, जो हम लोग जैसे जब भी धोनी बोलों का बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं भी सिंस माई स्कूल कॉलेज डेज ये धोनी बोलों को ही बिलीव करने वाला आदमी और प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं दूसरा हिंदी इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूँ, आई वुड ऑल्सो लाइक टू पुट नेक टाई लॉन्ग पैंट शर्ट लगाए इस टाइप करके घूमे, लेकिन मैं अपना धर्म को कभी कॉम्प्रोमाइज करने को कोशिश नहीं किया है, जिंदगी में अपना धर्म के साथ में जन्म लिया है, अपना धर्म के साथ ही मैं मरना चाहूँगी, इसलिए तलम को या आदि कम्युनिटी का नहीं है, तलम को तो हम का पूरा सारा मैं ये बोला पिछले वर्ष का सबके लिए वो मार्गदर्शक है, याद है
धन्यवाद चेयर पर्सन जो हम लोग को रास्ता दिखाया कि तुम्हारा धर्म का नाम नहीं हो सकता है लेकिन तुम्हारा धर्म भी है, तो ये धर्म को पहचानो बोलते कलम लोगों ने हम लोग को पहले सिखाया है। तो अभी इसी रास्ता में जाता हम लोग का जिससे में भी अभी ना हम लोग बोलते हैं जैसे आप उनका ये अभी धोबी बोलो का ये जो बनाता है हम लोग का वहाँ नामो मोमेंट होता है। ये नामो मोमेंट में मेरा लिखा हुआ प्रेयर सॉन्ग वहाँ बहुत आता है। इवन हम लोग का जिससे का जब योकुन सॉन्ग है योकुन उतारते समय में जो गाना गाता है लेकिन मैं एक चीज ये जानता हूँ कि सुलून आदि कम्युनिटी का है, आदि होते हुए भी आप अगर सुलून को नहीं मानता है बोलने से लोग आपको हंसेगा, आदि को नहीं हंसेगा लेकिन आपको हंसेगा। आप क्या आदमी है अपना अपना फेस्टिवल को नहीं मानता है। अभी जैसा आप कोई बाहर का आदमी आएगा तो आपको पूछेगा आप क्या आदमी है, अभी ऐसा आदमी है आदि का आदि है बोलने से आदि का क्या फेस्टिवल होता है या निशे बोलने से निशे का क्या फेस्टिवल होता है पूछेगा। अगर मैं क्रिसमस बता देता हूँ या दुर्गा पूजा बता देता हूँ हम लोग तो हंसेगा तुम्हारा क्या कुछ भी नहीं किया तुम्हारा फोन पाता लोग कुछ नहीं करते थे क्या। ये क्रिसमस तो क्रिश्चियन का है पूरा वर्ल्ड का है, दुर्गा पूजा तो सारा हिंदू का है, तो तुम्हारा जाति नहीं तो तुम्हारा आइडेंटिटी कुछ नहीं क्या लोग पूछे। इसलिए हम प्राउडली बोलने सकना चाहिए हमारा फेस्टिवल है हम लोग क्या हमारा फेस्टिवल है हमारा फेस्टिवल है बोलते प्राउडली हम बोलने सकना चाहिए। आजकल का जवान लड़का लड़की लोग सुलूम का माइथोलॉजी को मालूम नहीं हो सकता है और मालूम होना भी सबको जरूरी नहीं है।